नमस्कार, सुस्वागतम। सूरज के साथ हर मुश्किल आसान। इसी के साथ मैं ममता शर्मा आपको वाक्य पढ़ूंगी। वाक्य पहले हमने पढ़ा था शब्द। शब्द बनते वर्णों से। ये है वाक्य। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हो वाक्य कहलाता है। जैसे सीता गाना गाती है, इसे पूरा वाक्य क्या है? सीता गाना गाती है, यह एक वाक्य है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए उसे कहते हैं उद्देश्य, जो बात कही जाए उसे कहते हैं विधेय। इसे हमने कहा सीता गाना गाती है। सीता इसमें क्या है? उद्देश्य है। और गाना गाती है वो क्या है? विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे कहते हैं उद्देश्य, और जो बात कही जाए कहते हैं उसे कहते हैं विधेय। वाक्य के अंग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं आठ। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और अंत में है आज्ञावाचक वाक्य। पहले पढ़ते हैं विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे मैं खाना खाता हूँ, उसमें एक उद्देश्य है मैं और खाना खाता हूँ एक है विधेय, तो क्या बन गया? ये विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक क्या हो? विधेय, तो क्या बन गया वो? विधानवाचक वाक्य। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम पढ़ते हो? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तुम क्या करते हो, इसके अंत में हमेशा प्रश्नवाचक लगेगा। अगला हमारे निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में नकारात्मक बातें हो, जैसे कि मैं नहीं जाता, मैं नहीं सोता, मैं खाना नहीं खाता हूँ, जिस वाक्य में क्या जाए? निषेध का संकेत हो, कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। अगला हमारा संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। यदि तुम पढ़ते तो पास होते। जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर हो उसे कहेंगे संकेतवाचक वाक्य। जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास होते। अगर हमने लिखा यदि तुम पढ़ते तो दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है तो पास होते, तो क्या बन जाएंगे? संकेतवाचक वाक्य। अगला हमारा विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, हैरानी, घृणा, खुशी आदि का बोध हो, आदि का भाव प्रकट की जाए उसे कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। अरे वाह, मैं पास हो गया। अरे वाह, मैं जीत गया। हाय, क्या हुआ? इसके वाक्य के अंत में हमेशा विस्मय आदि बोधक का निशान आता है, चिन्ह आता है। हाय, मैं मर गया। अगला हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें संदेह प्रकट किया जाए उसे कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद बारिश हो रही होगी, शायद मोहन पहुंच गया होगा, उसे कहेंगे हम संदेहवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा प्रकट की जाए उसे कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। काश मेरे पास पैसा होता, मैं पास हो जाऊं, उसमें क्या प्रकट की जाएगी? इच्छा, उसे कहेंगे हम इच्छावाचक वाक्य। और अंत में हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा दी जाए उसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे चुप होकर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, इसे कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा दी जाए, शांत बैठो, ये है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। ध्यान देना, जिस वाक्य में निषेध आए उसे कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होती क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछा जाए कौन सा वाक्य बनेगा? प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह शंका प्रकट की जाए उसे कहेंगे हम संदेहवाचक वाक्य। इसमें इच्छा प्रकट की जाए, सारे बच्चे पास हो जाएंगे, क्या ये मेरी इच्छा है, तो क्या बनेंगे? इच्छावाचक वाक्य। इसमें इच्छा प्रकट किया उसे कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। अगला है हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य और विधानवाचक वाक्य बिल्कुल एक दूसरे के समान है। जैसे इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय उसे कहेंगे हम सरलवाचक वाक्य। मैं जाता हूँ, इसमें क्या है? ये एक उद्देश्य और एक विधेय, क्या बन गया? ये विधानवाचक वाक्य। और रचना के आधार पर क्या बन गया? ये सरल वाक्य। मैं
था, उसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय, तो क्या बन गया? विधान वाचक वाक्य। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, दो वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और दो विधेय हो, और दोनों वाक्य जुड़े हो, किससे जुड़े हो? और से, और किंतु परंतु, इनसे क्या बनेगा? ये बनेगा संयुक्त वाचक वाक्य। मोहन जाता है फिर पढ़ता है, मोहन जाकर पढ़ता है, मोहन गया और सो गया, तो क्या बन गया? ये संयुक्त वाक्य बन गया। अगला है हमारा मिश्रित वाचक वाक्य। मिश्रित वाचक वाक्य उन्हें कहते हैं जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करे। गांधी जी का नारा था कि करो या मरो। अगर मैंने लिखा गांधी जी का नारा था कि, तो वाक्य पूरा नहीं हुआ, किसके ऊपर निर्भर है? दूसरे वाक्य पर, करो या मरो। तो ये क्या बन गया आपका? मिश्रित वाचक वाक्य। तो ध्यान दीजिए एक बार, रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। संयुक्त वाचक वाक्य जिस वाक्य में दो एक उद्देश्य और दो विधेय हो, आपस में जुड़े हुए, कहेंगे संयुक्त वाचक वाक्य। अंत में है मिश्रित वाचक वाक्य, जिस वाक्य में पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करे, उसे कहेंगे मिश्रित वाचक वाक्य। हमने पढ़ा वाक्य। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्द का ऐसा हो जिसमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हो, उसे कहते हैं वाक्य, उसे कहेंगे वाक्य। वाक्य क्या हमने पढ़ लिए? आधार रचना के अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।